Good afternoon, friends. Yes, good afternoon, everyone. So, my dear students, how are you? So, we are meeting after a very long time on YouTube, and uh, I hope everyone is fit and fine. Please confirm, am I clearly visible and audible to everyone? Please confirm. Am I clearly visible and audible to everyone? Please confirm, guys. Yes, guys, please confirm. Am I clearly visible and audible to everyone? सो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड सब्सक्राइबी राइट अन अकेडमी सब्सक्राइब करने से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेज और इन लाइव क्लासेस में आप अपने अपने डाउट अपने, doubt, अपने सकते हैं। आप पीएर ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यू विल बी गेटिंग स्ट्रक्चर कोर्स जिसमें टॉपिक एकदम बेसिक से स्टार्ट होकर आपको एडवांस लेवल तक कवर किया जाता है यू विल गटिंग लाइव टेस्ट एंड क्विजेज लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग देख सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस अनालिस देख सकते हैं क्षी ने आंसर कॉपी भेजी है एंड बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर लिखे है इवनिंग के सेशन में डिस्कस करूंगा ओके okay. सो so, उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में बहुत जल्दी अभी मिल जाएगा। सो गाइज यू विल गेटिंग क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी आप अपने पसंद के एजुकेटर्स है अपने टाइम अपने कन्वीनियंस अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं सो गाइज जस्ट डाउनलोड एन अकेडमी ऐप राइट नाउ एंड एक्सपीरियंस द न्यू ईयर ऑफ लर्निंग माई सेल्फ गौरव गुप्ता आई एम ऑथर में स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री बोन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आई हैव बीन एसोसिएटेड विद वेरियस प्रस्टिज इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली सो दिस इज माई ऑफिशियल प्रोफाइल लिंक ऑफ अन अकेडमी इसको फॉलो कर लीजिए यू कैन डेडिकेट योर हैड योर कमेंट्स इन दिस रीजन इन दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल एंड दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल इसको जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि लेक्चर्स के एंड यूट्यूब की सभी क्लासेस के अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल में ही अपने शेयर करता हूं सो प्लीज इसको जरूर ज्वाइन करिएगा आंसर राइटिंग सेशन को सबमिट करने के लिए आपको जो है लिंक्स भी लिंक मिल जाएंगे उसको जरूर ज्वाइन करिएगा सो गाइज देर आर फिफ्टी थाउजेंड प्लस यू and these courses, these courses courses has been exclusively designed to ensure success in exams, prelims -focused batches, mains exam -focused courses, so guys, Plus, basic course बेसिक कोर्स अनिक्स की फीस इसकी होगी सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज लेकिन जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे जी जी टेन इस बॉक्स पे आपको जैसे ही आप हैल uh, कोड में जाके जी जी टेन कोड अपलाई करेंगे आपको इंस्टेंटली टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके की फीस हो जाएगी गाइस आइकॉनिक। एक लेटेस्ट एडवांस प्रोग्राम है जिसमें आपको प्लस कोर्स के तो सारे फीचर मिलेंगे लेकिन इसमें एडिशनल और सबसे यूनिक थिंग है कि आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाते हैं जो डेली बेसिस

जस्ट जॉइन इट राइट नाउर बैच कोर्सिसके एंडेडमिक कॉम्बो कोर्स जिसमें जीएसनिक कोर्स एंड यूपीएससी सी एस सी ऑप्शनल की कंबाइंड फीस है टू एस की वन लैख थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन रुपीज और जी जी टेन कोर्ट अप्लाई करेंगे इंस्टेंटली आपको टेन परसेंट ट्वेंटी नाइन परसेंट का इसमें डिस्काउंट मिलेगा कॉम्बो कोर्स में आपकी फी होगी नाइनटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी रुपीज ओके ट ओके यस द कुल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन और लोरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट सो ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड में आपको दो जगह पे देखने को मिलेगा एक तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका ओके okay. पार्शली कैनेडा का पार्ट हो जाएगा और ये न्यूयॉर्क वाला रीजन ग्रेट लेक्स वाला रीजन ये पार्ट इसके अलावा ईस्टर्न साइबेरियन रीजन ठीक है ना ईस्टर्न साइबेरियन रीजन ये दो जगह आपको वर्ल्ड में देखने को मिलेगा और पर्टिकुलरली नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में मिलेगा क्योंकि सदर्न हेमोस्फेयर में आप देखेंगे 40 डिग्री साउथ लेटिट्यूड के बाद बेसिकली लैंड लैंडमार्क बहुत ही नैरो हो जाता है और यहां पे फिर पेटोगोनिया डेजर्ट पड़ता है और इधर एंडीज है तो ये रीजन भी रेन शेड्यूल रीजन में पड़ जाता है राइट ड्यू टू दिस वेरी रीजन हम कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड इट इज एबसेंट इन सडन हेमिसफेयर ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको ये सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है येस yes, बताइए प्लीज फिर क्या इस दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि यहां पर ट्रेड विंडस का इन्फ्लुएंस होता है वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस होता है इस रीजन में वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस होता है तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा मेडिटेन वाला रीजन ठीक है सॉरी ब्रिटिश टाइप वाला रीजन आ जाएगा ब्रिटिश टाइप के बाद जो है ये वाला पर्टिकुलर रीजन आता है आपका ओके सो द कूल टेम्परेट द कूल टेपरेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट इज एन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ क्लाइमेट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट सो गाइज जैसे कि आपको मैंने बताया कि ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट देन इसके बाद ईस्टर्न क्लाइमेट और एक एक्सट्रीम कोल्ड रीजन आ जाएगा जिसको बोलेंगे साइबेरियन क्लाइमेट ओके सो कूल टेम्परेट क्लाइमेट इज एन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ क्लाइमेट साइबेरियन टाइप ऑफ एक्सट्रीम चिल्ड एक्सट्रीम चिल्ड रीजन होगा ये. मॉडरेट क्लाइमेट होगा लेकिन जो ये वाला रीजन है ये थोड़ा सा अपर एंड पे होगा इट फीचर्स ऑफ बोथ द मेरी टाइम एंड द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्योंकि देखो कोस्ट के पास है मेरी टाइम इन्फ्लुएंस भी यहां पे मिल रहा है और यहां पर कोल्ड वाटर करंट का और हॉट वाटर करंट या वार्म वाटर करंट दोनों का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा दूसरा क्या है कि कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में भी है क्योंकि काफी एरिया में फैला हुआ है कॉन्टिनेंट के तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी यहां पे आपको देखने को मिलता है यह साक्षी क्लियर हो रहा है आपको ये सो इट इज एपरेंट फ्रॉम फिगर वन फिफ्टी थ्री जो स्टार्टिंग दिखाई है द टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ओनली इन टू रीजन वन इज नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग नेडा नॉर्थ ईस्ट यूएसएट इज द मैरिटाइम प्रोविंस एंड न्यू इंग्लैंड स्टेट एंड न्यू फाउंडलैंड ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का वहां पर इस तरह का क्लाइमेट मिल जाएगा यस गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ हाउ आर यू दिस में बी रेफर टू एस द नॉर्थ अमेरिकन रीजन या नॉर्थ अमेरिकन क्लाइमेट भी इसको बोलते हैं अदर रीजन इज द ईस्टर्न कोस्टलैंड ऑफ एशिया इंक्लूडिंग ईस्टर्न साइबेरिया नॉर्थ चाइना मंचूरिया कोरिया एंड नॉर्दर्न जापैन ओके नॉर्दर्न जपैन जापान कंट्री कितने आइलैंड में लोकेटेड है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स यस जपैन आईलैंड जापान जो कंट्री है वो कितने आइलैंड में लोकेटेड है जस्ट नेम दो आइलैंड यस इट मे बी एशियाटिक रीजन इन द सडन सेक्शन सडन कॉन्टिनें साउथिट्यूड तो मैंने जैसा आपको बताया कि सडन हेमस्फेयर में ये जो है, इस तरह का क्लाइमेटिक रीजन है दिस इज एबसेंट ठीक है दिस इज एबसेंट रीजन क्या है सडन हेमोस्फेयर में लैंड पार्ट बहुत नैरोडल फ्यूगो वाला जो रीजन है टेराडल फ्यूगो वाला रीजन कौन सा हो गया साउथ अमेरिका के सबसे एंड में आप देखोगे ना जो उसकी पूछ थोड़ी सी ऐसे टर्न हो रही है इस तरह से साउथ अमेरिका का जो सडन पोर्शन आप देखोगे सबसे सडन टिप ये इतना रीजन इतने रीजन में ये मिल सकता था लेकिन यहां पे भी क्या है एंडीज माउंटेन रेंज विंड्स को ब्लॉक कर दे रहे हैं तो इसलिए यहां पे भी कोई खास ये रीजन डेवलप नहीं हो पाया है यस आई एम गुड सिद्धार्थ आई एम गुड यस वेरी गुड गाइड सो जापान इज लोकेटेड ऑन फोर आईलैंड वट आर द नेम ऑफ दो आइलैंड जैसे कि होनशू होकाइडो क्यूशू शिकोकू ओके जस्ट चेक आउट एंड राइट इन कमेंट या वेरी गुड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की कैपिटल टोकियो टोकियो इनमें से कौन से आइलैंड पर लोकेटेड है कहोगे सर के तो सवाल ही खत्म नहीं हो रहे हैं सर तो आज लगता तो है एकदम परेश रावल ही बन गए हैं बस फोर हेड पे जो है माथे पे क्वेश्चन मार्क और लगा लें हा सो जापान की कैपिटल टोकियो इनमें से कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है होकाइडो पे होंशु पे शिकोकू पे या क्यूशू पे वेल एनी वेज लेट अस प्रोसीड द ओनली पॉसिबल लोकेशन इज इन द ईस्टर्न पेटेगोर्निया साउथ ऑफ भैया ब्लैंका टू टेराडेल फ्यूगो द सेम रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट मोस्ट टिप ऑफ द साउथ अमेरिका बट द क्लाइमेटिक बैरियर ऑफ द एंडीज इज सो कंप्लीट दैट द दिलीज हार्डली री एवर रीच सो बेसिकली दे आर ब्लॉकिंग द दस्टिज विंड रीचिंग टू द पेटेगोनिया डेजर्ट सो इस वजह से क्या है इस रीजन में आप देखोगे तो इस तरह का क्लाइमेट होने के चांसेस बन रहे थे लेकिन दिस क्लाइमेट इज एबसेंट इन दिस रीजन बहुत ही ट्रेसेज में बहुत पार्शल इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा सडन एमिस्वेर में so we can say that practically these are absent in southern hemisphere but they are highly pronounced in northern hemisphere in the northeastern part of the, uh, north america and the eastern part of asia like the uh, eastern siberia manchuria okay north china okay japan in sab pe ye ko mil i hope i'm loud and clear so this is the siberian region which appears to be very beautiful okay which appears to be very beautiful

पूरे इस हम कूल टेम्परेट मार्जिन क्लाइमेट की बात कर रहे हैं दो द रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर इज अ डिस्टिंक्ट समर मैक्सिमम फ्रॉम द ईस्टर्ली विंड्स फ्रॉम द ओशियन तो देखो यहां पे क्या है कि यहाँ पे ना ओशियन का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आ जाता है ये समझो कि समर यहाँ की अच्छी खासी ठंडी समर होती है ठीक है मॉडरेट समर होती है और अगर इन केस कोल्ड वाटर करंट्स का इन्फ्लुएंस ईस्टर्न कोस्ट में ना होता तो उस केस में समर जो है काफ़ी ज़्यादा चिल्ड हो सकती थी और जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता था सो विंटर इज ड्राई एंड कोल्ड ये तो ऑब्वियसली हो गया ही होगा बिकॉज द विंड्स आर ड्राई वेस्टर्लीज डेट ब्लो आउट फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स तो मैंने आपको बताया था कि जब विंड कॉन्टिनेंट के पहले पार्ट पे स्ट्राइक करेगी सबसे पहले वहां पर विंड्स है रेनफॉल कर देंगी और जैसे जैसे विंड्स आगे मूव करेंगी ये ड्राई होती चले जाएंगी इनमें मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होता चला जाएगा एज ए रिजल्ट आखिरी में जो रीजन हो गई एक एलिड रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा राइट सो यहां पर क्या है कि विंटर जो है वो ड्राई है कोल्ड है और ड्राई वेस्टली ब्लो होती है इस रीजन में ओके सो यह चीज हमने ऑलरेडी देखा है इस वेस्टलीज वाला रीजन कौन सा हो गया ये वाला रीजन हो गया ये वाला रीजन हो गया तो ग्रेट लेक्स वाला रीजन हुआ इसके अलावा आपका न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क बेसिकली न्यूयॉर्क में इस तरह का क्लाइमेट मिलेगा आपको ओके okay. तो ये सब रीजन जो है बेसिकली इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल uh, होते हैं द नॉर्थ अमेरिकन रीजन द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉरेशन क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन रीजन इज इट्स यूनिफॉर्मिटी इन प्रेसिपिटेशन अबाउट थ्री टू फोर इंचज मंथली विद अ टेल सिमर मैक्सिमम तो बेसिकली क्या तीन से चार इंच की रेनफॉल मंथली बेसिस पे यहां पे होती है एक यूनिफॉर्म रेनफॉल है जो थ्रू आउट द ईयर हो रही है ओके देर इज अफॉर्मिटी इन द प्रेसिपिटेशन एंड देर इज एन ऑन एन एवरेज देर इज अ रेनफॉल ऑफ थ्री टू फोर इंच विद द वेटेस्ट मंथ इन जुलाई एंड ऑगस्ट नो मंथ इज रियली ड्राई एंड द एंड्राइस्ट मंथ नवंबर हैजू पॉइंट फाइव इंच ऑफ रेन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोट नोटेड कि जुलाई एंड अगस्त जो है बेसिकली न्यूयॉर्क में भी रेनफॉल का टाइम होता है और 42 टू तक की रेनफॉल मंथली बेसिस पे यहाँ पे हो जाती है और जो नवंबर है वो इसका ड्राइस्ट मंथ है जब 2.5 पॉइंट फाइव की रेनफॉल हो रही है हम कह सकते हैं कि इतना जो पोर्शन है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए वाला रीजन जो है दिस इज क्वाइट सिमिलर टू मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मानसून इंडिया में कब आ रहा है जून जुलाई राइट और हम देखते हैं हैंवी रेनफॉल जो हमें कब मिल रही है जून जुलाई सितंबर और उसके बाद क्या है नवंबर दिसंबर तक आते ड्राई मंथ हो जाता है हमारा दिस यूनिफॉर्मिटी ऑफ इज लार्जली ड्यू टू द एटलांटिक इन्फ्लुएंस एंड दैट ऑफ द ग्रेट लेक्स द वार्म गल्फ स्ट्रीम इंक्रीजेज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ईस्टर्न इवेंट्स फ्रॉम द ओपन एटलांटिक अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है यस गुड आफ्टरनून प्रियंका एक चीज यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है कि इसकी ईस्टर्न कोस्ट में गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ तो से एक वार्म वाटर करंट आ रही थे रेट भी बढ़ <coughs> so तो जाएगा भाई मान लो कि आप एक कोल्ड वाटर है एक, 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 एक तरफ हॉट वाटर है आप दोनों को बॉयल करना स्टार्ट कर रहे हो तो दोनों में सबसे पहले कौन इवेपोरेट होगा ऑब्वियसली जो वार्म वाटर होगा या जो हॉट वाटर होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी से राइज होगा कोल्ड वाटर वाले को क्या होगा पहले नॉर्मल टेम्परेचर पड़ेगा फिर उसके बाद टेम्परेचर उसका राइज होना स्टार्ट होगा राइट right. तो होता क्या है गाई? ऐसी कंडीशन में कि एयर में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाता है और जब एयर में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाएगा तो रेनफॉल भी फिर ज्यादा होगी केस में द प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज द प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज विच पेनिट्रेट अक्रॉस द रॉकीज कैरी डिप्रेशन ओवर द ग्रेट लेक्स टू द न्यू इंग्लैंड स्टेट डोट वेट कंडीशन स्पेशली इन विंटर विच आर वाइटल फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका याड साक्षी वेरी गुड यस मीटिंग ऑफ द वेखो न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जो नीचे से गई है और ऊपर से आ रही है कोल्ड वाटर करंट लैबराडोर करंट ठीक है कोल्ड वाटर करंट लैबराडोर करंट तो न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम एंड कोल्ड लेबराटो करंट का पानी मिक्सअप होता है एंड इसकी से यहाँ पर क्या होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जो सर्फेस है काफी ज्यादा कूल हो जाती है जिसकी वजह से फॉगी कंडीशन प्रिवेल होती है जिसकी वजह से क्या होता है फॉगी कंडीशन प्रिवेल होती है और इस फॉगी कंडीशन की वजह से क्या होता है गाइज की यहाँ पे जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो जाना बंद कर देते हैं तो यहां पर क्या होती है फाइटो ग्रो हो जाते हैं क्या ग्रो होते हैं

इस पूरे न्यू फाउंडलैंड के कोस्ट के आसपास बहुत ही हाई क्वांटिटी में जो फिश है वो एक्यूमलेट हो जाती है इकट्ठी हो जाती है फिर गाइज एक चीज और ध्यान रखना कि ये क्या है टेम्परेट रीजन का है हायर रीजन हायर लेटिट्यूड के वाटर्स में फिश मिल रही है ठीक है इंडिया में फिश इंडस्ट्री क्यों इतनी कामयाब नहीं हो पाई इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वी आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स ठीक है और जो हमारा जो वाटर है वो सब सब वो सारा का सारा ट्रॉपिकल वाटर्स की कैटेगरी में आता है तो क्या होता क्या है जहाँ पे वार्म वाटर होता है ना वहाँ पे जो फिश होती है उस फिश में बिटरनेस होती कड़वापन होता है ठीक है अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो इस चीज़ को समझ पाएंगे जैसे कि मैं मैं समझ भी रहा हूँ मैं समझा भी रहा हूँ ठीक है जो लोग जो लोग नई वेजिटेरियन है अब उनको इस चीज़ बस समझनी पड़ेगी तो ये समझ लो कि जो ट्रॉपिकल वाटर्स में जो फिश मिल रही है उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन लेवल ज़्यादा होता है बिटरनेस भी होती है ठीक है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है इनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है ठीक है इनकी इकोनॉमिक वैल्यू कंपेरेटिवली काफ़ी कम होती है जो ट्रॉपिकल वाटर्स में जो फिश मिल रही है ठीक है लेकिन जो हायर लेटीट्यूड्स में जो ठंडे पानी में जो फिश मिल रही है गाइज वो काफ़ी महंगी बिकती है और गाइज यहाँ पे क्या होता है ना यहाँ पे मैकेनाइज फिशिंग होती है मैकेनाइज फिशिंग वाला समझते हो एकदम बड़े बड़े पानी के जहाज होंगे बड़े बड़े शिप्स होंगे मैकेनाइज शिप्स होंगे क्रेन वाले शिप्स होंगे पता चला कि ना जाने कितने सैकड़ों किलोमीटर एरिया में जाल फेंक दिया और एक बार में ही वो जब वो निकालते हैं तो पता चला इतनी फिश निकलती है पता नहीं कितने हजार टन में आपने देखा भी होगा डिस्कवरी चैनल पर दिखाते भी हैं इस तरह से कि जो फिशिंग इंडस्ट्री में जो इन्वॉल्व जो शिप वगैरह लोग चलाते हैं जो वर्कर्स होते हैं कितने हार्श कंडीशन में काम करते हैं राइट आपने ये चीज़ देखा भी होगा तो बेसिकली क्या है वहां पे क्या है ना फिश की जो इकोनॉमिक वैल्यू काफी ज्यादा होती है तो फिशिंग इंडस्ट्री आपको हायर लैटीट्यूड में देखने को मिल रही है क्योंकि कोल्ड वाटर है और वार्म वाटर हमारे यहां इंडिया में मिल रहा है ट्रॉपिकल रीजन सब ट्रॉपिकल रीजन में वार्म वाटर मिलता है तो फिश के अंदर टॉक्सिन कंटेंट कंपेरेटिवली ज्यादा होता है इट इज सेड फाउंडलैंड इट इज से न्यू फाउंडलैंड एक्सपीरियंस इज मोर एनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दर्ल्ड का मतलब क्या है ड्रिजल का मतलब है कि रेनफॉल जो हो रही है वो शावर फॉर्म में रेनफॉल हो रही है हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो रही है आप इस ऐसी बारिश में निकलोगे तो आप भीगोगे नहीं लेकिन आपके कपड़े मॉइस्ट हो जाएंगे टेक द एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन द सीन जब क्या होता है कि जब आप बारिश हैवी बारिश खत्म होती है उसके बाद आप लोग क्या करते हो कि आपको मतलब यू नो क्यूरोसिटी होती है यार आप घर से बाहर निकलो बारिश रुक गई है है ना फिर आप क्या करोगे अपनी स्कूटी क्योंकि देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट टू व्हीलर पर मजा आता है ठीक है टू व्हीलर पर मजा आता है ऐसे टाइम पे तो क्या होता है लोग अपनी बाइक निकालेंगे एक्टिवा निकालेंगे फिर क्या करेंगे निकलना, निकलना मूव कर देंगे तो आप देखोगे कि हल्की हल्की वाटर ड्रॉपलेट्स आपके मुंह पे लग रही होती है उस टाइम पे लेकिन उससे क्या आपके कपड़े भीग नहीं देते हैं आप हल्के हल्के मॉइज फील करते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह की जो रेनफॉल होती है सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर या सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स ऑफ रेनफॉल इन एयर तो दे आर कलेक्टिवली नोन एज ड्रिजल्स शावर फॉर्म ऑफ रेनफॉल ठीक है शावरी फॉर्म ऑफ रेनफॉल यहाँ पे होगी यस yes. लोरेशन टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या क्या वो बहुत ही खुला क्लाइमेट बहुत ही ओपन क्लाइमेट आपको मिलेगा क्लियर स्काय ब्लू स्कायजूरियंट वेजिटेशन ग्रीन वेजिटेशन डू टू दीनरी दिखाई देंगे इसमें इन समर द वेस्ट ब्रिंग्स लेस डिप्रेशन एंड एक्सटेंड कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस टू द कोस्ट टेम्परेचर आर नॉर्मली हाई इन समर फॉर द लेटीट्यूड न्यू यॉर्क हेज जुलाई टेम्परेचर ऑफ सेवेंटी फोर डिग्री फेराइट एंड समाइम इवन एज हाई एज नाइनटी डिग्री फेराइट ओके सेवेंथ अगस्त नाइनटीन में द एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया वन जीरो फोर डिग्री फ़ारेनहाइट समर का मैक्सिमम टेम्परेचर न्यूयॉर्क का जो रिकॉर्ड किया गया है दैट इज हंड्रेड एंड फोर डिग्री फ़ारेनहाइट सच हाई टेम्परेचर इन अल टेम्परेट मेरी टाइम रीजन वेयर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज कैन बी वेरी ट्राइंग वेरी कैन बी वेरी टायरिंग बेसिकली आप सोचो ऐसा रीजन जहां पे हमेशा ठंड पड़ रही हो या जहां पे हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट रह रहा हो वहाँ पर अचानक से इतनी तेज गर्मी पड़ने चालू हो जाए भाई ये गर्मी खैर हमारे लिए तो कोई बहुत मायने नहीं रखती है इंडिया में तो इससे ज़्यादा ही पड़ जाती है लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ मतलब ऑन एन एवरेज लोग इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड स्नो फॉल्स अकर्स हैविली न्यूयॉर्क हैज टू मंथ्स विच रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है दो महीने ऐसे होते न्यूयॉर्क में जब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है और इसमें ना पोलर वॉरटेक्स वाला केस स्टडी भी पढ़ेंगे लेकिन वो दूसरे टॉपिक पर पढ़ेंगे ठीक है पोलर वॉरटेक्स मैंने डिस्कस किया था ना कि जो बेसिकली हायर जो पोलर सेल है पोलर सेल जो है बेसिकली एक्सटेंड हो जाता है जो पोलर सेल की जो रिंग है जो जिसको पोलसा की रहना चाहिए था ये पोलर सेल की रिंग एक्सटेंड हो जाती है तो इतनी कोल्ड विंड्स जो है बेसिकली न्यूयॉर्क जैसे एरिया को पूरा कब्जा लेती हैं और बहुत ही हैवी रेन हो जाती है हाँ जी बफरिंग हो रही है लेकिन अभी ठीक हो जाएगा डोंट वरी ठीक है बफरिंग हो रही है लेकिन ठीक हो जाएगा ये डोंट वरी अभी हो जाएगा ठीक द मीन जनवरी टेम्परेचर फॉर क्यूबैक ओटावा एंड मोटेरियल आर टेन डिग्री फेरनाइट 12 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 14 डिग्री फेराइट रेस्पेक्टिवली एंड वाइडन अकॉर्डिंगली तो टेम्परेचर रेंज जो है काफी इंक्रीज भी हो जाती है और डिपेंड करता है विंटर्स so, यहां पे विनर लिख दिया है टीम मिस हो गया इसका तो विंटर्स इन एन यस गाइज अच्छे से पढ़ोगे एन वाई यू में तुम्हारा एडमिशन हो सकता था ठीक है मान लो आप आई एस में सेलेक्ट हो गए आप एजुकेशन लीव लेके एजुकेशन लीव लेकर मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग मास्टर्स इन मैनेजमेंट ठीक है इस तरह के कोर्सेज करने जा सकते हो कहां पे एन वाई यू में ठीक है क्या फुल फॉर्म है एन की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ठीक है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और गाइस अगर पढ़ाई नहीं करोगे अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो भी एन जा सकते हो एम करने और जाना पड़ भी जाएगा लेकिन ये एन इस वाले एन से टोटली अलग होगा ये एन होगा नांगलोई यमनापार यूनिवर्सिटी क्या नांगलोई यमुना पार यूनिवर्सिटी तो फैसला आपके हाथ में है सीरियसली पढ़ाई करो आई वाईएस बनो देश का नाम रोशन करो ठीक है और एजुकेशन लीव लेके यू कैन गो फॉर एन वाई यू डेट इज न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी नहीं तो फिर यहां वाला एन वाई यू तो रेडी है ही तुम्हारे लिए ठीक है वेल एनी वेज आई नो आप लोग बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो एंड आई आई एम वेरी लिटरली बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि यू विल बी गिविंग मी रिज़ल्ट ठीक है ना अल्टीमेटली आप लोग रिजल्ट दोगे तभी मेरी भी क्लास में जो है यू नो ज़्यादा लोग आएंगे देखने के लिए सो so, इसलिए क्या है कि पढ़ाई करो अच्छे से चलिए आगे एशियाटिक रीजन की बात कर लेते हैं एशियाटिक रीजन की बात कर लेते हैं इन कंट्रास्ट द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एशियाटिक रीजन इज फार लेस यूनिफॉर्म

स्टेशन पे कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है कितना रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है या प्रेसिपिटेशन इतनी चीज डिटेल में पढ़ने जरूरत नहीं है लेकिन हमें यहाँ के बेसिक्स पता होने चाहिए द लोरेशन टाइप ऑफ क्लाइमेट हियर इज ऑफन डिस्क्राइब कूल्डरेट मॉन्सून क्लाइमेट इट हैज अ वेरी लॉन्ग कोल्ड विंटर एंड अ बिग एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कैन बी रिकॉर्डेड हियर ओके द क्लाइमेट ऑफ जापान इज मॉडिफाइड बाय इट्स इंसुलरिटी एंड आल्सो बाय द मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स इट रिसीव्स एडुकेट रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ ईस्ट मानसून इन समर एंड द नॉर्थ वेस्ट मॉनसून इन विंटर दोनों से इसको जो है काफ़ी ज्यादा रेनफॉल मिल जाती है द लेटर इज द ड्राई कोल्ड विंड फ्रॉम मेनलैंड एशिया बट आफ्टर क्रॉसिंग द सी ऑफ जापान इट हैज़ गैदर सफिशियंट मॉइस्चर टू गिव हैवी रिलीफ रेन और स्नो ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जपैन द रेनफॉल इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एज इन टोक्यो विद टू मैक्सीमा वन इन जून ओके एंड अदर इन सेप्टेम्बर द टाइफून रेन सेप्टेंबर में जो बारिश होती है उसको हम बोलते हैं टाइफून रेन और जून में जो रेनफॉल होती है उसको हम बोलते हैं प्लूम रेन ओके ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्ट सब स्टेशन एग्जाम्पल वन जीरो द देशर रेंज टोक्यो हैज रेंज ऑफ फोर्टी डिग्री फारेनहाइट विद नन ऑफ द मंथ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चलिए So, this is a beautiful winter in Japan. Okay, this is a beautiful winter in Japan. <clears throat> the warm Kuroshio has played an important part in making the climate of Japan less extreme. In meeting the cold Oyashio from the north, it also produces fog and mist, making North Japan a second newfoundland. फिशिंग एग्रीकल्चर एज द मेन ऑक्यूपेशन इन मैनी ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लैंडस यस अब यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन कैसी होगी तो देखो यहाँ पे कूल टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे ठीक है कूल टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे जनरली स्पीकिंग द फॉरेस्ट टेंट टू बी कॉनीफेरस विंडा रीजन है तो कॉनीफेरस फॉरेस्ट ही मिलेंगे ओके okay. इंक्रीज इन देंथ एंड द्यूरिटी ऑफ विंट एक्सक्लूस फॉरेस्ट डेट आर नॉट एडेप्टेबल टू द कोल्डी इन देशियाटिक रीजन द कॉनिफरस फॉरेस्ट आर इन फैक्ट अंटिन्यूशन ऑफ द ग्रेट कॉनिफरस बेल्ट ऑफ द टैगा लंबरिंग हैजवेज बीन अ मेजर ऑक्यूपेशन बाई लंबरिंग कब हो सकता है जब एक ही जगह पे यस yes. बिल्कुल मसूरी जाने पर विंटर मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल मसूरी जाने पे विंटर मिलेगा ठीक है अभी लोगों को घुमाना उन्होंने चालू कर दिया भारत दर्शन चालू हो गया है इस साल जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका एंड आई हैव सीन पिक्स कुछ स्टूडेंट्स ने डाली हुई थी पिक जिस पे जिम उनको मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घुमाने ने लेके गए थे राइट सो सोकाइज दिस इज अल्टीमेट सर्विस ठीक है मेहनत कर लो और थोड़े टाइम के लिए मतलब थोड़े टाइम के लिए मतलब एक साल डेढ़ साल के लिए एकदम ऐसा सोचो कि बस ठीक है कि आप एक साल डेढ़ साल में जो काम करने जा रहे हो ये आपके अगले लाइफ के नेक्स्ट फिफ्टी ईयर्स डिसाइड करेंगे ठीक है आप सोचो कि आप आई में सेलेक्ट हो रहे हो इक्कीस साल की एज में ट्वेंटी वन ईयर्स की एज में ट्वेंटी टू ईयर्स ट्वेंटी थ्री ईयर्स की एज में आप आई में सेलेक्ट हो रहे हो तो इसका मतलब है एग्ईस कि जब आप रिटायरमेंट पहुंचोगे ना तो मे बी पॉसिबल कि अगर सब चीज़ अच्छी रही आपकी क्वेश्चन सारी अच्छी रही तो मे बी पॉसिबल कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक तक पहुंचो एक आई ऑफिसर का मतलब एक आई ए एस का क्या सपना होता है पहला सपना होता है कि भाई इक्कीस साल की एज में सिलेक्शन हो जाए ठीक है दूसरा सपना क्या होता है कि आई में सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग मिले यूपी में क्योंकि तो यूपी में भोकाल है ठीक है यूपी में भोकाल है पूरा आई ए एस अफसरों का अच्छा वाला जिसे कहते हैं भाई मान लो आप किसी बड़े अर्बन एरिया में मान लो मुंबई में आपको पोस्टिंग मिली तो वहाँ भूल जाओ बंगलो बंगलो आपको मिल रहे, है। फ्लैट रहे हैं वहाँ पे फ़्लैट दे देंगे चार बेडरूम का आपको चार बेडरूम का फाइव बेडरूम का बंगलो फ्लैट दे देंगे लेकिन वो बात नहीं आएगी यू पी में आप चले जाओ एक मतलब एक एक डीएम का मतलब मैं आपको बताऊं सेवेंटी फाइव एकड़स तक में सिक्सटी फाइव एकड़स में फ्लैट फैले हुए हैं ठीक है, है? मतलब सॉरी बंगलो जो बंगलो है पूरा पूरा किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी का कोई डीएम है उसका बंगलो सत्तर एकड़ में फैला हुआ है तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देखो तो पैंसठ एकड़ में मतलब इतना कि मतलब खुद अपना बंगलो भी अगर तुम घूमना चाहो ठीक है तो घूम नहीं पाओगे एक दिन में इतना मतलब पूरे प्रेमाइसिस की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है पूरे कैंपस की बात कर रहा हूँ सो इसलिए क्या है पढ़ना लेकिन उसके लिए देखो पढ़ना पड़ेगा सेलेक्ट होने के बाद यूपी में पोस्टिंग में गई फिर आपका अगला सपना होता है रिटायरमेंट मेरे को मिल जाए और रिटायरमेंट तक मैं कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हूं अब कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मतलब समझते हो क्या है ठीक है कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का नेक्स्ट टू पीएम अगर कोई ऐसा ऐसी लीडरशिप है जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग बहुत वीक है डिसीजन मेकिंग वीक है तो ऐसी कंडीशन में कैबिनेट सेक्रेटरी एक तरह से मिनी पी या एक तरह से हम कह सकते हैं अनऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर के काम के अंदर चालू कर देता है ठीक है और ऑर्गैज उसके बाद भी अगर आपकी पॉलिटिकल इक्वेशन अच्छी हैं तो क्या नहीं कर सकते है? सोचो आप मतलब आप यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन यू कैन बिकम मिनिस्टर कुछ नहीं गवर्नर आपको बना सकते हैं कहीं पे ठीक है देख लो कितने एग्जाम्पल देख लो कितना आईपीएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर तो ऑफिसर में खेल से जितने भी रिटायर हुए डीजीपी रैंक से ऑलमोस्ट सभी को जो है कहीं कही ना कहीं पे गवर्नर ही अपॉइंट किया जाए ठीक एग्जाम्पल अब किरण बेदी ऑल्सो ठीक है तो इसलिए ये डेढ़ साल दो साल का जो आप अपना को टाइम दे रहे हो ना लाइफ का दिस इज द गोल्डन टाइम प्रोवाइडेड गोल्डन टाइम प्रोवाइडेड कि आप इसको यूटिलाइज़ भी उसी तरीके से कर रहे हो अब दो साल का मतलब ये नहीं है कि भाई दो साल में आप मैं ये नहीं कह रहा कि दो साल में साधु बन जाओ कि भैया कुछ नहीं बस दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के और जो है जड़ी बूटी फूक रहे और पढ़ाई करो वो नहीं कह रहा हूँ मैं आई जस्ट सेइंग सिंपल थिंग आप एक अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो पढ़ने की ठीक है समझ में आ रहा है सबको ये चले आगे मुंह करते हैं हाँ तो ये बात चालू हुई थी मसूरी से तो मिशन लबासना ठीक है मतलब ये चीज ध्यान में रख लो कि भाई देखो ट्रेनिंग नो डाउट ट्रेनिंग बहुत टफ होती है ट्रेनिंग आई ट्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पिकनिक स्पॉट है वो या ऐसा कुछ है ट्रेनिंग बहुत टफ होती है बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत क्लासेस होती है सेम डे पे जो मेरे फ्रेंड्स सेलेक्ट हुए थे एंड वेन आई यूज़ टू कॉल देम ना तो कई बार स्पीकर ऑन करते थे तो सुनते थे क्योंकि पॉलिटी चल रहा है अभी वहाँ पर ठीक है जो जी एस आप चीज़ पॉलिटी पढ़ रहे हो गवर्नेंस पढ़ रहे हो ये सब चीज़ पढ़ाई जाती है वहाँ पर ठीक है इसके अलावा तो और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा और एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे ठीक है आगे भी एग्जाम्स है तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको अच्छे से तो मच ऑफ द ओरिजिनल कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर बिलोंगिंग टू फिर स्प्रोस एंड लार्ज एंड हैव बीन क्लियर एज अ रिजल्ट ऑफ लम्बरिंग रादर देन एग्रीकल्चर यस बाकी किसी को भी ऐसा लगता हो जब भी कि भाई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में कुछ है यू कैन डिस्कस दिस विद मी ऑल्सो यू नो हाउ यू हैव टू रीच मी ठीक है ऑलरेडी आपके पास लिंक्स uh, है मेरे पास पहुंचने के लिए कैसा पहुंच सकते हैं मुझ तक सो so, इसलिए क्या है कि अगर कभी ऐसा लगता है कि भाई वर्क प्लेस पर मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें या किसी वजह से ऐसा लग रहा है कि भाई जॉब के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को तो आपको फिर ऑल्टरनेटिव भी देखने पड़ेंगे ठीक है ना यू शुड यू नो लुक आउट सम लुकआउट समर्नेटि कि कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं ठीक है आप न्यूज़ आप न्यूज़ देखते होंगे अंडे वाले का बेटा अंडे वेष बेच के आई ए में सेलेक्ट हो गया कोई एक न्यूज़ आई थी कि वो बस का कंडक्टर था वो आई ए क्वालिफाई करा और कसम से ऐसे टाइम पे पेरेंट्स को जब ये पढ़ते हैं ना वो वो न्यूज़ उसके बाद पेरेंट्स जब तुम्हारी तरफ देखते हैं तो वो भी एक अपने आप में एक बहुत ही ना बहुत ही क्या, क्या कह सकते हैं <laughs> बहुत ही घातक मूवमेंट होता है राइट लेकिन यह है कि हाँ वर्क प्लेस पर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्क प्लेस के साथ कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो चार घंटे का एवरेज निकालो किस मिनिमम तीन घंटे तो होना ही चाहिए ओके चलिए आगे मुक करते हैं सो गाइज दिस इज होकाइडो होनशू शिकोकू और क्यूशू ओके सो ईस्टर्न कैनेडा अलॉन्ग द बैंक ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर Is the heart of the Canadian timber and wood pulp industry. So, south of 50 degrees north latitude, the coniferous forests give way to deciduous forests likes oak, birch, maple. These are the principal trees. Like their counterparts on the western margin, the deciduous forests are fairly open. A long growing season of over six months and an adequate supply of moisture from maritime sources. एनकरेज रेपिड ग्रोथ ऑफ फर्न एंड अदर टेम्परेट अंडर ग्रोथ देंस ऑफ ट्रीज इन ऑलमोस्ट प्योर स्ट्रेंड एंड द प्री डोम हैंडफुल्पीशीज ग्रेटली एनहेंस द कमर्शियल वैल्यू ऑफ दिस फॉरेस्ट देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया होता कि लम्बरिंग टिम्बर इंडस्ट्री कब फायदेमंद रहती है कि जब आपने एक फॉरेस्ट है ठीक है एक फॉरेस्ट है और आपने इस फॉरेस्ट में जो पेड़ काट रही है सारे पेड़ एक ही स्पीशीज से बिलोंग कर हैं तो आपकी क्या इकोनॉमिक इस जो इकोनॉमिक प्रॉफिट आपका रहेगा इस केस में वो ज़्यादा रहेगा ठीक है और अगर आप डेसिडस फॉरेस्ट की बात करते हो एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हो तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहती है कि ट्रीज़ की वैरायटी बहुत है अलग अलग पता चला एक हार्डवुड ट्री आया दूसरी वैरायटी का इसकी अलग यू, यूटिलिटी है कोई दूसरा हार्डवुड ट्री आया उसकी अलग यूटिलिटी है लेकिन जब यहाँ पर एक ही वेराइटी का ट्री मिल रहा है और वेराइटी मतलब एक ही जगह बल्क में मिल रहा है तो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है कटिंग कॉस्ट कम हो जाती है इस तरह की बहुत सारी चीजों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है फिर एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट डे द एक्सट्रक्शन ऑफ टेम्परेट हार्डवुड yes guys <clears throat> as a result they have been extensively felt for the extraction of temperate hardwood मैनी पार्ट्स ऑफ मंचूरिया कोरिया एंड जापान द फॉरेस्ट है वे फॉर द प्लफ फॉर द प्लफ बोर्ड फूड एंड कैश क्रॉप आर रेज इन कैनेडा ड्यू टू द ग्रेटर रिजर्व ऑफ कॉनिफेरसूड्स एंड देर ओवर हाइडिंग इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्रियल यूजेज ओके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लंबरिंग यहां पर एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है लंबरिंग एंड इट्स एसोसिएटेड टिम्बर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ओके एग्रीकल्चर इज लेस द विंटर एंड इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन भाई इतनी सीवियर विंटर अगर पड़ रही है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पड़ रही है <coughs> तो यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी डोमिनेट नहीं हो सकती ओके फॉर्चुनेटली द मैरी टाइम इंफ्लुएंस एंड दी रेनफॉल एनेबल सम हार्डी क्रॉप टू बी रेज फॉर लोकल नीड्स तो यहां पर क्या है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं वो भी इसलिए क्योंकि गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो जाती है जिसकी वजह से कुछ क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो पाती है अदरवाइज मैक्सिमम टाइम यहाँ पे विंटर्स रहती हैं और लॉन्ग कोल्ड सीजन रहते हैं और लॉन्ग कोल्ड सीजन है तो सबसे ठंड की सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है पोटैटो ठीक है पोटैटो ट्राई ओवर लार्ज एरिया ऑफ द पोर्टोलाइज सॉइल वाइल हार्डी सीरियल क्रॉप्स टू बी रेज फॉर लोकल नीड्स पोटैटो यहाँ पे एक ऐसी क्रॉप है एक ऐसी वैरायटी है पोटैटो कि किसी भी चीज में किसी भी आइटम में चाहे कोई भी खाना इन्होंने बनाया हो इवन फर्मेंटेड करके इसकी वाइन भी बनाई थी पोटैटो से भी यहाँ पे ओके सो पोटेटो ट्राई ओवर लार्ज एरियां रीजन सच दोयाबीन्स जो नॉर्दन चाइना मंचूरिया कोरिया में काफी ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है बहुत बल्क में प्रोड्यूस होता है इसके अलावा रेप सीड्स टंग ऑयल मलबरी तो ये इन द नॉर्थ अमेरिकन रीजन में ग्रोथ है अरेबल फार्मिंग इज नॉट कैरिड आउट ऑन अ साइजेबल स्केल एक्सेप्ट इन द मोर फेवर्ड लोकल अच्छे खासे मिलेंगे देखने के लिए देन फिशिंग मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फिशिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड डॉगर्स बैंक ही है ठीक है नियर न्यू फाउंडलैंड डॉगर्स बैंक तो ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है सेम रीजन मैंने आपको बताया कि एक वाटर करंट है जो जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम और दूसरी कोल्ड वाटर करंट है जिसका नाम है लेब्राडोर तो गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर कोल्ड वाटर करंट जो यहां पर मिक्स होती है तो इस रीजन में क्या होता है फॉगी कंडीशंस प्रिवेल होती है फॉगी कंडीशंस प्रिवेल होने की वजह से क्या होता है बेसिकली यहां पे बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड डेवलप हो जाता है ओके सो फिशिंग ऑफ द न्यू फाउंड टाइम प्रोविंस ंग्लैंड दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड पर्टिकुलरली ऑन द ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड क्या फाउंडलैंड और दूसरा मैंने आपको बताया डॉगर्स बैंक uh, uh, वाला जो रीजन है लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड रीजन सिंपल है कि गल्फ स्ट्रीम वार्म वाटर करंट लैबरेटो कर दोनों के मिक्सअप से यहाँ पे क्या होता है फॉगी कंडीशन कोहरा क्रिएट हो जाता है तो इस कोहरे में क्या होता है विजिबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है तो जो शिप्स होते हैं या जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो यहाँ पे एकदम नील हो जाता है तो स्टिल वाटर हो जाता है तो water, कोई जब वाटर मान लो कोई बोट जा रही है तो उसके टर्बाइन के साथ क्या होगा पानी में हलचल होगी ठीक है पानी में मूवमेंट होगा तो ऐसे में क्या होगा कोई प्लांटेशन यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाती लेकिन क्या होगा कि जब विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो विजिबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से बेसिकली गाइज यहाँ पर क्या होता है कि फाइट ग्रो होने चालू हो जाते हैं क्योंकि पानी एकदम स्टिल हो जाता है इस टाइम पे स्टिल वाटर में फाइट ऑफ अच्छे से ग्रो हो जाते हैं दूर दूर तक फैल जाते हैं कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तो हो जाते हैं तो इनको खाने के लिए फिश यहाँ पे इकट्ठा होना चालू हो जाती है राइट सो द रीजन फॉर इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल फिश फीड ऑन माइन्यूट मेरीन ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली कॉल्ड इज प्रेजेंट इन इन शेलो वाटर्स एडजस्टन टू लैंड मासिस वेयर सनलाइट कैन पेनिट्रेट थ्रू जेंटली स्लोपिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ विच स्ट्रेच फॉर ओवर टू हंड्रेड माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ न्यू फाउरलैंड एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ द एंड न्यू इंग्लैंड कंटेन रिच कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन। यस सो दिस इज द रीजन दिस इज द रीजन गाइज और अच्छी खासी यहां पर जो है आप देखोगे तो फिशिंग के लिए ये रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अलावा कुछ बेसिक चीज और ध्यान रखना कि दिस इज दीक है दिस इज बे, देन दिस इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस सेंट लॉरेंस रिवर ये भी अपना वाटर ड्रेन कर रही है सो दिस इज बेसिकली गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस एंड दिस इज कैबोल स्ट्रेट ओके आगे वो करेंगे नेक्स्ट उस पर चलते हैं फिश ऑफ ऑल टाइप्स ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फिश ऑफ ऑल टाइप्स एंड साइज फीड एंड ब्रीड हियर एंड सपोर्टिंग फिशिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली इन कैनेडा एंड यूएसए बट ऑल्सो इन कंट्रीज लाइक नॉर्वे फ्रांस ब्रिटेन पोर्टुगल डेनमार्क रशियन जापान तो फिशिंग समझते हो, बड़े बड़े जो शिप भेजे जाते हैं, हैं कितने ओशन है में से निकाल लाते हैं राइट सो मॉडर्न ट्रॉलर ड्रैगिंग लार्ज क्रॉनिकल शेप नेट एंड्रिफ्ट स्कैनिंग करटेन लाइक रेक्टेंगुलर नेट ऑपरेट एक्सटेंसिवली ऑफ द एटलांटिक कोस्ट तो सिंपल आप सभी लोगों ने क्योंकि इस चीज को ये कहानी पूरी जिसी लिए हमने तो एकदम नरेशन पूरा करा हुआ है ठीक है जैसे इन्होंने दे आर एक रेडियो एंड रडार डिवाइसेस सो यहाँ पे इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है देखो हम सिंपल चीज़ है एक एक इमेज रिकॉल कर लो माइंड में आपने कभी ना कभी डिस्कवरी चैनल पे ठीक है चीज़ देखा होगा कि फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए और रेड कलर के शिप्स होते हैं बड़े बड़े शिप होते हैं और तूफ़ानी एकदम तूफ़ानी शिपिंग में भी जो है वो तूफ़ानी मौसम में भी वो जो है मछली पकड़ रहे होते हैं ठीक है तो इतने ज्यादा इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल पर जो फिश यहाँ पे होते हैं और अगर मैं बात करता हूं कि कौन कौन सी फिश यहां पे रहती है तो गाइस मतलब कौन सी है जैसे क्रैब्स लॉब्सटर्सिम्प ठीक है तो ये जो है इनके एक्सपोर्ट किया जाता है कंजम्पन होम कंजम्पशन के अलावा एक्सपोर्ट भी इनका किया जाता है और गाइस लॉबस्टर क्रैब श्रिम्स ये ना मतलब काफी महंगे होते हैं ठीक है दे आर मतलब एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इंडिया में भी अगर हम बात करेंगे तो फिश लाइक सेलमन सेलमन ऑयल आता है आ, कुछ कंपनी जैसे एम कंपनी लाती है ऐसे ही सी कोड लिवर ऑयल आता है सेलमन इंपॉर्टेंट है तो सेलमन ट्राउट ईल हिल्सा फिश अपना नाम सुना होगा जो कोलकाता में खाई जाती है प्रियंका ने प्रियंका को पता होगा तो ये बेसिकली ईल है बेसिकली ठीक है देन आर कॉट एंड द अटलांटिक कोस्ट

जैसा मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना में मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है हाईली मैकेनाइज है कैसी मैकेनाइज है कि पता है जो जो भेड़ है जो बकरी है या जो गाय या भैंस है उधर उसको एक पर्टिकुलर चैंबर में खड़े करके उसको सीधा मशीन के अंदर भेजेंगे और फिर क्या होगा वो मशीन में ऑटोमेटिकली कट कटा के उसके पीसीज होके क्लीन होके सब चीज होके पैक होके बाहर आ रही है राइट ऑल दो मतलब सोच के आपको लगेगा बहुत ज़्यादा इनह्यूमन टाइप की चीज बट हमें एक प्रैक्टिकली एक ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को सोचना है पूरा ठीक है तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसी ही होती है मतलब यानी कि क्वालिटी चेक्स बहुत जबरदस्त होते हैं और फिर रेफ्रिजरेटेड बोट्स के थ्रू रेफ्रिजरेटेड ट्रेन और ट्रक्स के थ्रू जो है इनको पूरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में सप्लाई किया जाता है यस <coughs> yes.

उसका एक सिंपल सा रीज़न होता है क्योंकि देखो फिश जो है ना आप मान के चलो कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कोस्टल एरिया में रहती है और वर्ल्ड की जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कोस्टल एरिया में रहती है ना गाइस नो इस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इर रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड मैक्सिमम लोग जो है फिश को खाते हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो लेकिन अगर कोस्टल रीजन में है तो मान के चलो कि लगभग एट्टी टू एटी फाइव परसेंट कोस्टल पॉपुलेशन जो है दे फीड ऑन फिश एंड फिश उनके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स होता है राइट right? अब गाइज अगर हम एक अनसटेन्ड वे में एक अनकंट्रोल अनरेगुलेटेड वे में अगर इसका कंजम्पशन करते रहेंगे तो क्या होगा कि एक बहुत ही मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है तो हमारी आगे वाली जो आने वाली जो पॉपुलेशन है इस मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन से वंचित रह जाएगी यानी उनको ये सोर्स ऑफ प्रोटीन शायद मिलने में प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ चीज़ है सो so, इसलिए क्या होता है कि कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए कंपनीज के लिए भी खास तौर पर जो लार्ज फिशिंग कंपनीज है उनके लिए और इसके साथ साथ जो लोकल फिशरमैन है उनको भी ये चीज अवेयर कराई जाती है इनफैक्ट इंडिया में भी अवेयरनेस कैंपेन ऐसे चलाए जाते हैं कोस्टल रीजन में कि कौन से फिश को आप कंज्यूम करने के लिए आप जो है मतलब कंज्यूम करने के लिए या बेचने के लिए या खाने के लिए यूज कर सकते हो और किस जो है आपको वापिस ओशन में छोड़ देना चाहिए ओके सो फिशिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान तो जापान में तो आप जानते हो कि जापान चाइना यानी जितनी मॉन्गलोइड रेस कंट्रीज है मोंग्लाइट रेस कौन सी हो गई मतलब येलो स्किन ठीक है नैरो आइज ठीक है ये इनकी बेसिक पहचानते हैं मोंगलाइड रेस की तो मंगोलियन रेस की जहाँ पे भी आपको पीपल मिलेंगे ठीक है तो वहां पे आप देखोगे कि जो तो फिश वगैरह होती है इसका कंजम्पशन काफी ज्यादा भी होता है एंड दे प्रिफर टू ईट रॉ फिश ठीक है रॉ फिश का मतलब क्या होता है बिना पकाए उसको मतलब कच्ची खा जाए तो इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक द आइलैंड्स ऑफ जापान फिशिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड नो वेर एल्स इन दर्ल्ड आर दे आर सो मैनी पीपल एंगेज इन फिशिंग एज इन दिस पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक तो जापान के पास भी जो है बेसिकली सेम कंडीशन रहती है कोल्ड करंट वार्म करंट के मिक्सिंग से वहां पर जो है बेसिकली फिशिंग ग्राउंड बनता है और बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े स्केल पे जो है बेसिकली फिशिंग यहाँ पे होती है यस हैलो हनी हेवर यू इट्स ओके द माउंटेनस नेचर ऑफ जापान

तो लाइफ स्टॉक पालोगे भी तो पास्चर लेंड्स कहाँ है ग्रेजिंग लेंस कहाँ है उनके लिए तो बेसिकली क्या है इनके जो तो तो मेजर सोर्स है प्रोटीन का वो है फिश और आप आइटम्स देखोगे जैसे सुशी वगैरह आपने नाम सुना होगा ठीक है तो इस तरह की चीज़ें खाते हैं और रॉ फिश खाते हैं आप और हम नहीं खा सकते उस चीज़ को देख के बहुत ही रेयर कोई बंदा होगा एक्सेप्शनल कोई केस होगा तो खा सकता होगा ओके अदरवाइज दे यूज टू ईट फ्रेश मतलब रॉ फिश एकदम So, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि जो जैपनीज पीपल है तो ये क्या करते हैं फिश वेस्ट फिश मील और जो सी वीड्स होते हैं दे यूज देम फॉर फर्टिलाइजर ठीक है दे यूज देम एज फर्टिलाइजर इन देयर फार्म्स, अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में फिश का जो भी वेस्ट होता है फिश मील और सी वीड्स जो होते हैं इनको ये यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर इन द फार्म्स इंडिया में भी आप एग्जाम्पल देखो इंडिया में एग्जाम्पल है एक्वाकल्चर अब एक्वाकल्चर क्या है पिसी कल्चर अलग चीज होती है पिसी कल्चर होता है जहां पे आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं एक्वाकल्चर बेसिकली उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्वाकल्चर बोल रहा हूँ इसको मैं एक्वाकल्चर बोल रहा हूँ रीजन क्या है सिंपल का कि जैसे कि ईस्टर्न इंडिया में आप चले जाओ वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया चले जाओ अरुणाचल आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम नागालैंड इन सभी रीजन में जहां पे भी पैडी कल्टीवेशन करते हैं जहां पे भी चावल की खेती करते हैं तो उसी चावल के खेत में ये लोग क्या करते हैं फिश को भी पाल लेते हैं ठीक है तो ऐसे में क्या होता है जो 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 फिश का जो भी आ, आ, जो भी यू नो वेस्ट होता है ठीक है जो भी वेस्ट होता है तो वो फिश का जो भी वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सारा का सारा जो है एज अ फर्टिलाइजर क्या काम करता है पैडी फील्ड को एज अ फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर देता है इन रिटर्न क्या होता है पैडी फील्ड भी अच्छे ग्रो होते हैं तो सेम फील्ड में क्या होता है मछली भी ग्रो कर रखी है सेम फील्ड में चावल भी ग्रो कर रखा है तो ऐसे में क्या होता है लोगों को एक ही जगह से कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स मिल रहा है किसमें चावल में और प्रोटीन का सोर्स मिल रहा है फिश में सो जापान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज डेट टेकन टू सी वीड कल्टिवेशन कोस्टल फॉर्म्स डेट आर वाटर ग्रो वीड्स फॉर सेल एज फर्टिलाइजर्स केमिकल इन्ग्रीडियंट्स एंड इवन एज फूड तो सी वीड को भाई एज आ फर्टिलाइजर भी यूज किया जा सकता है एज अ केमिकल इनग्रेडियंट भी यूज किया जाता है और इवन एज अ फूड भी यूज किया जा सकता है ओके सो अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ जैपनीज फिशिंग इज पर्ल कल्चर पर्ल कल्चर बहुत कॉमन है भाई यहाँ पे आप देखते हो ना सभी लोगों को खासतौर तो पर इंडिया में तो मोती पहनना बड़ा शुभ बोला रहता है कि भैया गुस्सा नहीं आएगा ठीक है गुस्सा नहीं आएगा दिमाग शांत रहेगा मन ठंडा रहेगा अब पर्ल कल्चर इंडिया में क्या होता है कि पर्ल कल्चर क्या है इंडिया में कि प्लास्टिक के दाने को मोती जैसा बना के लोगों को चिपका दिया जाता है कि भैया असली मोती है यहाँ पे पल कल्चर क्या है वो होते हैं मतलब <coughs> शेल्स होते हैं ठीक है शेल्स होते हैं उन शेल्स के अंदर मतलब वो ऑर्गेनिज्म होता मतलब है शेल्सफिश होती है और उसी के अंदर जो है मूती होती है उसकी बेसिकली कैल्शियम की मतलब बोन्स होती है उसकी ये ठीक है जो मोती जैसे हमें दिखाई देती है तो ये क्या करते हैं प्रॉपरली उसको पालते हैं प्रॉपर उसकी कल्चरिंग करते हैं जैसे हम हब्भी कल्चर करते हैं ठीक है जैसे एक तो होता मधुमक्खी ऑटोमेटिकली नेचुरली अपना छत्ता बना रही होती है और एक होता है कि जहाँ पे हम आर्टिफिशियली मधुमक्खी से उसका छत्ता बनवा रहे हैं और फिर उससे हम जो है क्या निकाल रहे हैं उससे हम बेसिकली हनी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इन द सेम में पल कल्चर क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे शेल फिश को पाला जाता है और इन इनको बेसिकली ऑयस्टर्स भी बोलते हैं पल ऑयस्टर्स ठीक है और इनको कल्चर करने के बाद क्या करते हैं इनके जो बोन्स में इनकी जो बोन्स होती है जो मूर्ति होता है उनको निकाले जाता है फ्लैश होता है वो फिर रेस्टोरेंट्स में या खुद भी कंज्यूम कर लिया जाता है सूप वगैरह भी बना के उसका पीते हैं ये yes. यस आप मतलब यू कैन गो जैसे मान लो आप मलेशिया चले जाओ थाईलैंड चले जाओ ठीक है या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कहीं पर भी आप जाओगे सब जगह आपको पल कल्चर पर कॉमन मिलेगा बड़े 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 शोरूम होते हैं इनके मॉल्स में और उस तो शोरूम में आप जाओगे आप देखोगे आपके सामने ही पूरा ऑयस्टर खोलेगा वो ठीक है जिंदा ऑयस्टर खोलेगा उसको काट के उसमें से मोती निकाल के आपको एकदम फ्रेश मोती देगा और ओरिजिनल मोती होगा वो राइट सो द डाइवर्स ऑफ सडन जापान डाइव डाउन इंटू द कोस्टल वाटर्स एंड ब्रिंग टू द सर्फेसिश कॉल्ड पर्लस्टर्स एंड एक्सट्रेक्ट दाइली प्राइज पर्ल्स ऑर्नामेंट्स ओके द लाइनिंग ऑफ शेल्स कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पर्ल बटन एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स अब भाई मोती का पर्पज क्या होता है आपको पता है मैं तो नहीं बता सकता कि मोती की माला बनती है मोती से ये बनेगा वो बनेगा जिसका जो बनाना है वो बना लेना गुस्सा आता है तो अंगूठी पहन लेना उसकी राइट right? अब देखो इंडिया इंडिया में बहुत सारे बिलीफ होते हैं ठीक है तो चलो ठीक है भाई इंडिया में रहे हैं तो थोड़े बिलीफ मान भी लेने चाहिए सो दीज आर कलेक्टेड एंड एक्सपोर्टेड दीज आर कलेक्टेड एंड एक्सपोर्टेड द जैपनीज इंटरेस्ट इन फिशिंग इज नॉट कन्फाइंड टू देयर ओन टेरिटोरियल वाटर्स दे वेंचर फार एंड वाइड इन टू द आर्टिक एंटार्क्टिक एंड एंटलांटिक वाटर्स भाई जापान में क्या बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी फिशिंग इंडस्ट्रीज़ है ठीक है बहुत बड़ी बड़ी फिशिंग कंपनीज़ है तो आप ये फिशिंग कंपनी से तो क्या करेंगी ये कि यहाँ मान लो अटलांटिक के रीजन में कोई दूसरी कंपनी काम कर रही है उसमें इन्वेस्ट कर दिया पैसा तो उनके साथ मिलके फिशिंग कर रहे हैं ये ठीक है एंटार्कटिक रीजन में कहीं पे फिशिंग कर रहे हैं ये किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलके तो बेसिकली क्या कह जापनी जापान आप जानते हो कि एक डेवलप नेशन है पैसा वाला कंट्री है तो यहाँ की कंपनीज कई जगह इन्वेस्ट करके ऐसे रखते हैं तो लार्ज वेलिंग फ्लीट्स कंप्लीट विद प्रोसेसिंग प्लान्स एंड एक्सपीरियंस क्रू स्टे आउट इन द ओपन सीज एंड रिटर्न ओनली ओकेजनली फॉर रीफ्यूलिंग और रिप्लेशमेंट ऑफ फ्रेश प्रोविजन तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फिशिंग होती है वो महीनों तक चलती है बड़े बड़े फ्लीट्स होते हैं बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो आगे मूव करते हैं तो वो ऐसे तो नहीं होते कि आज सुबह आ गए शाम को वापस आ गए ये दस दिन तक पंद्रह दिन तक बीस दिन तक मे भी महीनों भर तक रह सकते हैं ओके okay? और फिर ये सिंपल चीज़ है कि एज अ नेशन जापान अकाउंट्स दर्ल्ड टोटल एनुअल फिश कॉर्ट वर्ल्ड ग्रेटेस्ट फिशिंग नेशन टूडे आर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल अच्छा यू आर विनिंग इट एज अ रिंग बट स्टिल यू गेट एक्सट्रीमली एंग्री एट टाइम्स देखो ओके सिद्धार्थ ने लिखा है कि कहीं प्लास्टिक का तो नहीं है हाँ ये भी हो सकता है प्लास्टिक का भी हो सकता है बाकी देखो प्रियंका सिंपल सी चीज होती है कि एंगल को मैनेज करने के लिए ऑल दो एंगल एक ऐसी चीज़ है कि ये डिपेंड करता है सरकमस्टांसिस पे भी ठीक है और यू की जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं ठीक है यू की जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं तो वो थोड़े से क्या होता है मैंने एक चीज़ देखा है कि टाइम के साथ इतना पढ़ पढ़ के ना थोड़े से मूडी टाइप तो हो ही जाते हैं कब मूड में बहुत अच्छे हैं कब एकदम से पता चला भड़क जाएंगे किसी पे तो ये चीज़ तो होता ही होता है राइट ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ हमारे सभी के अंदर आ जाती है ओके okay. दूसरी चीज क्या है कि भाई थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया करो सांस अंडा खींचो सांस बाहर छोड़ो राइट यही सब चीज़ करके ऐसे कंट्रोल कर सकते हो भाई लेकिन करना पड़ेगा ठीक है थोड़ा सा इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा बहुत जरूरी है सो so, अब जापान को इसने हर जगह लिखा है शी हर अब जापान को इन्होंने शी और हर क्यों लिखा है जापान को जापान ही लिख देते तो ज़्यादा बेटर था राइट चलिए आगे मुख करते हैं सो so गाइज ये सिंपल uh, कहानी लिखी हुई है जापान की पूरी ओके okay. तो इसमें से इतने ज़्यादा मतलब कि रेफ्रिजरेटेड फ्रीजर्स हैं उसमें फिश को भेजते हैं और कितनी ज़्यादा कौन कौन से क्रैब्स लॉबस्टर्स यहाँ पे पकड़ रहे हैं सो so ये सब चीज़ें काम की नहीं है इतनी ओके okay? चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं लेट एस स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर वन the cool temperate eastern margin climate is an intermediate type of climate between the british and the siberian type of climate second it has features of both the maritime and the continental climate third Laurentian type of climate is found in north eastern north america including eastern canada choose the correct code choose the correct code <coughs> Option A1 only, option B2 and 3 only, option C all of the above, and option D none of the above. Yes, please answer the question, guys. The cool temperate eastern margin climate is an intermediate type of climate between the British and the Siberian type of climate. Second, इट हैज फीचर्स ऑफ बोर्ड द मेरी टाइम एंड द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट थर्ड लॉरेशन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका इनक्लूडिंग ईस्टर्न कैनेडा चूज द करेक्ट टूड ऑप्शन ए वन ओनली ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनलीफव वेरी गुड प्रियंका वेरी गुड सिद्धार्थ सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये तो चीज हमने बहुत शुरुआत में पढ़ा था ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव वेरी गुड गाइड की बाकी लोग भी आंसर दीजिए सब लोग एवरी वन हैजर दिस क्वेश्चन सो लोरेशन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड ऑनलीस वन इन द नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग ईस्टर्न कैनेडा नॉर्थ ईस्ट यूएसए द मैरिटाइम प्रोविंस एंड द न्यू इंग्लैंड स्टेट एंड इसके अलावा न्यू फाउंडलैंड दिस में बी रेफर टू एज दॉर्थ अमेरिकन रीजन द अदर रीजन इन दर्न कोस्टलैंड ऑफ द एशिया इंक्लूडिंग ईस्टर्न साइबेरिया मंचूरिया कोरिया एंड नॉर्थ जापान इट मे बी रेफर टू एज द एशियाटिक रीजन ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सो so, ये वाला रीजन जरूर ध्यान रखना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पड़ेगा ये ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर वन इन द सडन एमोस्फेयर लॉरेशन क्लाइमेट टाइम इज एबसेंट बिकॉज ऑनली स्मॉल सेक्शन ऑफ द सडन एक्सटेंड साउथ ऑफ दूड ऑफ फोर्टी डिग्री साउथ second, in the southern hemisphere, the climate is so equable and the oceanic influence is so profound that neither the continental nor the eastern margin type of climate exists. choose the correct code. option a, one only. option b, two only. option c, both one and two. and option d, neither one nor two. yes, please answer this question, guys. please answer this question. <coughs> Yes, question number two. Yes, guys, very good. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू बोथ वन एंड टू ओके सो द ऑनली पॉसिबल लोकेशन इज इन ईस्टर्न पेटागोनिया, साउथ ऑफ बहिया ब्लैंका टू टेराडिल फ्यूगो जो मैंने खबर की सर्दर्न एमोस्फेयर में पैटागोनिया डिजर्ट के आसपास ये इस तरह का कुछ क्लाइमेट मिल सकता था लेकिन नहीं मिल पा रहा है क्यों क्योंकि एंडीज माउंटेन रेंजेस ने इस यहाँ पे वेस्टलीस को ब्लॉक कर दिया ठीक है इलिज को ब्लॉक कर दिया एंडीज माउंटेन रेंजेस ने और भी बहुत सा था बहुत माइनर रीजन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट द लोरेशन टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज कोल्ड वेट विंटर्स एंड वार्म सेकेंड समर्स आर एज ट्रॉपिक्स Choose the correct code. Choose the correct code option A1 only, option B2 only, option C both 1 and 2, and option D neither 1 nor 2. Yes, guys, please answer this question. Please answer this question, guys. Question number three. Consider the following statement. लोरेशन टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज कोल्ड वेट विंटर्स एंड वार्मर्स समर्स आर एज वर्म एज द ट्रॉपिक सेवेंटी डिग्री टू एटी डिग्री फेराइट यस नहीं प्रियंका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टू ऑनली सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है कि लॉरिशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज कोल्ड वेट विंटर्स नहीं जी कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स होती हैं एंड वार्म एंड वेट समर्स होती हैं ठीक है तो ये इसलिए यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है योर आंसर विल बी ऑप्शन बी टू ऑनली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट first statement, winter is dry and cold because the winds are dry, westerlies that blow out from the continental interiors. second, the most remarkable characteristic of the Laurentian climate of the north american region is its uh, with a late summer uh, rainfall up to three to four inches monthly with a late summer maximum. third, an annual precipitation of 41 inches with the wettest month in july and august. Choose the incorrect code option A1 and 2, option B2 only, option C all of the above, and option D none of the above. Yes, please answer this question. Please answer this question. <coughs> दिस क्वेश्चन गाइज यस प्रियंका सिद्धार्थ वेरी गुड वेरी गुड गाइज सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा क्या गया इन करेक्ट कोड कि इन करेक्ट कौन सा है तो तीनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अब ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सो गाइज दिस इज द ग्रेट लेक्स रीजन ज द ग्रेट लेक्स रीजन सो ग्रेट लेक्स रीजन में आप देखोगे सो लेक सुपीरियर लेक मिशिगन लेक यूरोन लेक इरी लेक ओंटारियो ठीक है लेक ओंटारियो सो दीज आर यस सो दीज आर फाइव ग्रेट लेक्स अब इनमें मुझे ये बता दो कि इनमें से कौन सी ग्रेट लेक्स टोटली कंप्लीटली जो है यूएसए में लोकेटेड है क्वेश्चन नंबर फाइव कहते हैं <coughs> consider the following statements number 1 the warm gulf stream increases the moisture content of easterly winds from the open atlantic second the prevailing westerlies which penetrate across the rockies carry depressions over the great lakes to the new england state choose the incorrect code option a 1 only option b 2 only option c both 1 and 2 and option D, neither one nor two. Yes, question number five. Yes, guys, question number five. Yes, very good, uh, Priyanka. Lake Michigan. Michigan is completely located in the territory of. यूएसए ओके हनी यू आर मिसिंग द सेशन डी टू नेटवर्क इशू ओके फाइन अब नेटवर्क इशू का क्या कर सकते हैं हम ये भी प्रॉब्लम है मेरे खुद नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है एनसीआर में इस चक्कर में यस क्वेश्चन नंबर फाइव कंसीडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट जल्दी आंसर दीजिए गाइस या क्वेश्चन नंबर फाइव इस बार सिद्धार्थ ट्रैप नहीं हो पाए वेरी गुड तो इन करेक्ट कोड पूछा यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं सो यार आंसर विल बी ऑप्शन डी नाइडर वन नॉट टू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोनों में कोई भी गलत नहीं है इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी ओके अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर वन The meeting of the warm Gulf Stream and the cold Labrador current on coastal waters of Newfoundland produces dense mist and fog and gives rise to much precipitation. Second, Newfoundland experiences more drizzles than any other part of the world. Choose the correct code. Choose the correct code. Option A1 only, option B2 only. Option C, both 1 and 2, and option D, neither 1 nor 2. Question number 6. <clears throat> yes, please answer this question. yeah very good guys donor statements correct hai. both of the statements are correct so your answer will be option c both 1 and 2 both 1 and 2 so next question pe hai. question number 7 consider the following statement so winters are cold and very dry while summers are very warm and exceptionally wet in the asiatic region first second the mountainous interiors of china has such pronounced continental effect that the intense heating in summer creates a region of extreme low pressure <coughs> and moisture laden winds from the pacific oceans and the sea of japan blow in as the southeast monsoon choose the correct code choose the correct code option a 1 only option b 2 only option c both 1 and 2 option d neither one nor two यस गाइस क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर दीजिए प्लीज़ आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन yes question number 7 very good guys so the correct answer will be option c both 1 and 2 question number question number 7 answer will be option c both 1 and 2 let us come to the next question question number 8 consider the following statements consider the following statement number 1 the climate of japan is modified by its insularity and also by the meeting of warm and cold ocean currents Second, it receives adequate rainfall from both the southeast monsoon in winter and the northwest monsoon in summer. Third, the warm Kuroshio has played an important part in making the climate of Japan less extreme. Choose the incorrect code. Choose the incorrect code. <coughs> option A 1 and 2, Option B 2 only, Option C 2 and 3, and Option D 3 only. फॉर क्वेश्चन नंबर एट फॉर क्वेश्चन नंबर यूर सींग दाउंटेनस इंटीरियर ऑफ चाइना है लो प्रेशर एंड मॉइसचरलाइड एंडसिफिक ओशियन और डोट चाइना वाले रीजन को देखोगे इसका इंटीरियर पार्ट चाइना कितना नॉर्थ टू मतलब वेस्ट टू इस्ट बहुत ज्यादा इलांगेटेड है ठीक है बहुत ज़्यादा फैला हुआ कंट्री है वेस्ट टूइ एक्सटेंड इसका सो so, क्या होता है इंटीरियर पार्ट में समर के टाइम पे क्या होगा हीटिंग ज्यादा हो जाएगी और कोस्टल मैरीटाइम इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज वेरी हाई तो ऐसे में क्या होगा पे लो प्रेशर बन जाएगा लो प्रेशर बनेगा तो यहां से मौ... अभी ये लो प्रेशर इस मॉइस्चर मॉइस्चरलाइट एंड से यहां पे अट्रैक्ट करना चालू कर देगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट का आंसर देगा इस <laughs> यस गाइस प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखो पूछा क्या गया चूज द इनकरेक्ट कोड सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ो इट रिसीव्स एडिक्वेट रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ ईस्ट मॉनसून इन विंटर साउथ ईस्ट मॉनसून आ रहा है समर में एंड द नॉर्थ वेस्ट मॉनसून इन विंटर ये कहता है समर यहां समर लिखा है आता कहा विंटर में इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और गाइस पूछा भी गलत ही गया है कि इनकरेक्ट कोड कौन सा है So, your answer will be option b two only yes, clear as a is this clear to everyone <coughs> yeah, very good. Let us come to the next question now. Consider the following statement: number one. The predominant vegetation of the Laurentian type of climate is cool temperate forest. Second, the heavy rainfall, the warm summers, and the damp air from fog all favor the growth of trees. Choose the correct code option A, one only, option B, two only, option C, both one and two, and option D, neither one nor two. Question number 10. गायस प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर टेन सो गायस क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं Both statement one and statement two both are correct. So your answer will be option C, both one and two. Okay, let us come to the next question. Question number 11. Consider the following statements. Number one, lumbering has always been a major occupation of this sparsely populated part of Eastern Asia, and timber is a leading export item. Second, Western Canada along the bank of the St. Lawrence River is the heart of the Canadian timber and wood pulp industry. Choose the correct code. Option A, one only. Option B, two only. Option C, both one and two. And option D, neither one nor two. <coughs> यस गाइस प्लीज आंसर इस क्वेश्चन यस समर के टाइम पे हैवी रेनफॉल होगी वहां पर दो महीने यहां पे भी रेनफॉल के हैवी रहते हैं फोर्टी इंच से ज्यादा की रेनफॉल हो जाती है <laughs> यस क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर हो कैस देखो आप ना ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो क्वेश्चन को यू आर नॉट रीडिंग क्वेश्चन केयरफुली सी दिस वेस्टर्न कैनेडा अलोंग द बैंक ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर इज द हार्ट ऑफ द कैनेडियन टिम्बर एंड वुड पर्प इंडस्ट्री अब वेस्टर्न कैनेडा लिखा है भाई मैंने आपको बताया था कि ये जो रीजन है ये कहाँ पर है ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न कैनेडा और नीचे आ गया यू एस ठीक है तो ये ईस्टर्न साइड बेसिकली ईस्टर्न साइड यहां पे वेस्टर्न लिखा हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है सेकंड वाला फर्स्ट वाला करेक्ट है सो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वन ओनली क्लियर है सबको ये ठीक है क्लियर है ना सबको सबको क्लियर है सिद्धार्थ कोई प्रॉब्लम है सिद्धार्थ इज एनी प्रॉब्लम इट्स ओके हनी डोंट फील सॉरी फॉर एवरीथिंग यस Okay, so Eastern Canada, along the banks of the St. Lawrence River, is the heart of the Canadian timber and wood pulp industry. Next question question number 12. Consider the following statements number one, lumbering and its associated timber, paper, and pulp industries. Are the most important economic undertaking. Second, agriculture is less important in view of the severity of the winters and its long duration. Choose the correct code option A, one only, option B, two only, option C, both one and two, and option D, neither one nor two. Question number 12. <coughs> यस वेरी गुड सो आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ टू करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर वन नॉर्दन चाइना मंचूरियन कोरिया आर अमंगस्ट द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन्स सेकेंड इन द नॉर्थ अमेरिकन रीजन अरेबल फार्मिंग इज नॉट कैरिड आउट ऑन साइजेबल स्केल Except in the more favored localities. Third, the fertile Annapolis Valley in Nova Scotia is the world's most renowned region for apple. Choose the correct code. Please answer question number 13. Please answer question number 13. Yes. यस गाइज प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन गाइज यहां पर ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ओके okay? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी यस बिल्कुल फैक्चुअल है हाँ जी बिल्कुल सही बात है बिकॉज ऑल ऑफ दर फैक्चुअल टू डेट इज क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि नहीं पता होगा यार इस ऐसे क्वेश्चन में यही होता है या तो पता होगा या नहीं पता होगा सिंपल क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर वन the world's largest fishing ground is particularly on the grand banks of newfoundland second fish feed on minute marine organisms collectively called planktons which is present in abundance choose the correct code choose the correct code option a 1 only option b 2 only option c both 1 and 2 and option d neither 1 nor 2 वेरी गुड सो ये चीज तो मैंने पढ़ाया था आपको ठीक है ये लाइन तो एकदम रटी रट रत गई होगी आपको पूरी लाइन हम ऐसी कैसी लिखी हुई so, है यहां पर सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं योर आंसर विल बी ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लेटस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर वन इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक Surrounding the islands of Japan, there is another major fishing area of the world. Second, Japan is one of the few countries that has taken to seaweed cultivation. Third, pearl culture is also an, another interesting aspect of Japanese fishing. Choose the correct code option A, one only, option B, two and three only, option C, all of the above, and option D, none of the above. Yes, question number 15. Please answer this question, guys. <coughs> yes, guys, all three statements are correct. All three statements are correct. So simply the answer is option C, all of the above. Question number 15. All three statements are correct. So answer is option C. And here comes the last question. Consider the following statement As a nation, Japan accounts for a sixth of the world's total annual fish caught. Second, Japan is the world's greatest fishing nation. Third, the continental shelves around the islands of Japan are rich in planktons due to the meeting of the warm kiroshio and the cold Oyashio current and provide excellent breeding ground for all kinds of fish. Question number sixteen. यस प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन मैं एक बार चेक कर लूंगा यानी इसको बताता हूं फिर आपको यस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन चूज द इन करेक्ट कोड पूछा गया ठीक है सो क्या इस तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव आंसर विल बी ऑप्शन डी ननौद ओके आई होप यू लाइक द सेशन ओके इवनिंग में देअर कैन बी आंसर राइटिंग सेशन मुझे अभी अपना शेड्यूल चेक करना पड़ेगा और दूसरा क्या है कि मेरी लोकेलिटी में इवनिंग के टाइम तक आ जाते हैं इंटरनेट सर्विसेस काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ओके okay. अभी पिछले कुछ दिनों से सो so, अगर इफ एवरीथिंग रिमेन्स फाइन ना तो आंसर राइटिंग सेशन का मैं प्लान करूँगा अराउंड सेवन पी पे और मैं आपने जो मुझे कॉपीज़ अपनी लिख के भेजी आंसर कॉपीज़ उन आंसर कॉपीज़ को मैं लाइव शो करूंगा और लाइव फीडबैक आपको दूंगा मैं आपको आपके आंसर्स पे ओके सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विल बी बाय बाय टेक केयर एंड सी यू अगेन एट सेवन पीएम और नाइन पीएम की क्लास फॉर श्योर पक्की है मॉक टेस्ट उसमें होगा हमारा पी टी तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा सो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय टेक केयर